नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। काली शर्ट, अंधेरी रात और महिलाओं का शिकार। गोरखपुर में पकड़े गए 20 साल के साइको किलर अजय निषाद की कहानी। ब्लैक शर्ट, रात का समय और महिलाओं का शिकार, ये कहानी है गोरखपुर के साइको किलर अजय निषाद की। 20 साल का अजय सिर्फ लेडीज को अपना निशाना बनाता है। उसने बीते 4 महीने में कुल 5 महिलाओं पर अटैक किया, जिसमें एक की मौत हो गई। जो जिंदा बची उसको जिंदगी भर का जख्म दे दिया गया। हमले में उनकी शक्ल सूरत बिगड़ गई। आलम यह हो गया कि डर से महिलाएं घरों में कैद होने को मजबूर हो गई थी। फिलहाल गोरखपुर पुलिस ने साइको किलर अजय निषाद को अरेस्ट कर लिया है। काले कपड़े और नंगे पांव रहने वाला अजय निषाद अब तक 5 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। वह रात के समय चुपके से आता था और महिलाओं के सिर्फ चेहरे पर लठी डंडा या लोहे की रॉड से वार कर फरार हो जाता था। अजय गांव में ऐसे घरों को चुनता था जिसके अगल बगल कोई और घर नहीं होता था। महिलाओं पर अटैक के साथ वह लूटपाट भी करता था। कुछ समय पहले अजय निषाद रेप के आरोप में जेल गया था। 6 महीने जेल में रहकर आने के बाद उसने महिलाओं को अपना दुश्मन मान लिया। वहाँ एक एक कर इलाके की महिलाओं लड़कियों को टारगेट करने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि अजय हमेशा एक ही पैटर्न पर वारदातों को अंजाम देता था। जैसे वारदात के समय ब्लैक शर्ट पहनना, क्राइम के लिए रात के 1 से 4 बजे के बीच का टाइम चुनना, नंगे पाँव जाना, सोती महिलाओं पर प्रहार करना और फरार हो जाना। पुलिस के मुताबिक जंगदाहा थाना क्षेत्र के मंगलपुर टोला का रहने वाला अजय निषाद महिला से जुड़े अपराध में 6 महीने की सजा काटकर 2022 में जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद वहां सूरत चला गया, लेकिन जब 2024 में वापस गांव आया तो अपराध को अंजाम देने लगा। उसके द्वारा किए हमले में एक महिला की मौत हो चुकी है, वहीं एक महिला की आंख फूट गई, जबकि एक अन्य महिला बुरी तरीके से घायल है। पीड़िताओं का कहना था कि उन्हें काले लिबास में कोई शख्स दिखता जो उनके सिर पर हमला कर देता। घरों में घुसने वाला यह शख्स नंगे पांव आता था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और शहर के भर के सीसीटीवी खंगाल डाले। लोगों को जागरूक भी किया गया है। आखिरकार टेक्निकल और खुफिया इनपुट से जानकारियां कलेक्ट कर पुलिस इस साइको किलर तक पहुंच गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त अजय निषाद ने अपना जुर्म कबूल कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में भी इसकी मौजूदगी साबित हो रही है। सर्विलांस में भी उसकी अपीयरेंस घटनास्थल पर होना पाया गया है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।